तुम आओ, मेरे पास मत आना। तो तुमने डिसाइड कर लिया? हाँ, मुझसे पूछा भी नहीं। यही सही है। और इससे होगा क्या? क्या तुम अपने भाई का एक्सीडेंट होने से रोक पाई? और वो आग जो हॉस्पिटल में लगी थी, वो भी हमारी गलती थी क्या? चुप क्यों हो, बोलो। और अगर ये सब करने से कुछ ठीक नहीं हुआ तो? मेरे बारे में सोचा भी नहीं। और अगर मुझे इस बार तुमसे प्यार नहीं हुआ फिर? लाओ, इसे मुझे दे दो। I'm sorry। No! अगर तू नैन्सी की दोस्त ना होती ना, तो तुझे यहाँ पे कब का छोड़ के चला जाता। तो मुझे कोई शौक नहीं है तेरे साथ रहने का। लाइट हटा। ये क्या चीज है? पक्का यहाँ छोड़ के जाता हूँ। इसे मुझे दे। सॉरी। ओह शिट। This video is entirely shot on Sony Cinema Line FX3 and FX30, highlighting the new firmware update for FX3, it's 3.0, and for FX30, it's 2.0. लेटेस्ट firmware update के अंदर Sony ने दो नए features को add किया हुआ है, एक DCI 4K, which produce a slight difference in aspect ratio, and दूसरा anamorphic de-squeeze. इस entire film को हमने anamorphic lenses के साथ shoot किया हुआ है, जिसमें हमने 35, 50, and 75 के फोकल लेंथ्स को यूज किया हुआ है। एनामॉर्फिक लेंसेज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय बिग बजट प्रोडक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अचीव सिनेमैटिक वाइड स्क्रीन पर्सपेक्टिव। एनामॉर्फिक लेंसेज के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं उन्हें नॉर्मल स्फेरिकल लेंसेज से, जैसे कि ओवरऑल बोके, हॉरिजॉन्टल लेंस फ्लेयर एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये सब फीचर को ऐड करके हम बहुत ही सिनेमैटिक एंड आर्टिस्टिक लुक अपनी फिल्म में अचीव कर सकते हैं। सोनी के FX3 और FX30 का ब्रिलियंट कलर साइंस, हाई डायनेमिक रेंज, स्मॉल फोम फैक्टर एंड एनामॉर्फिक फीचर्स बनाता है इसको एक फुल प्रूफ प्रोडक्शन कैमरा। नाउ आफ्टर दिस अपडेट आप किसी भी ब्रांड के एनामॉर्फिक लेंसेज को यूज कर सकते हो और अचीव कर सकते हो हॉलीवुड स्टाइल का सिनेमैटिक लुक। अगर आप यूज़ कर रहे हो FX3 और FX30 या फिर प्लान कर रहे हो इन दोनों में से कोई एक कैमरा लेने का, तो इस अपडेट का यूज़ करके आप अपनी फुटेज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। Thank you so much Sony for bringing such amazing features in these compact, affordable cameras.